वेलकम बैक। वेल, आज की इस वीडियो में अगेन हम बात करेंगे एक्सचेंजेस को लेके, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, फर्क और क्या है, इस चीज को समझेंगे। क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंजेस है जो प्रेजेंट टाइम में आपको जो है वो विड्रॉवल नहीं दे रहे, ठीक है ना। बुलन के अंदर हम खड़े हैं। बुलन के अंदर सिंपल मतलब ये होता है कि भैया आपने पैसा कमा लिया, ठीक है। अब पैसा कमाने के बाद जब तक वो आप अपनी पॉकेट के अंदर, जेब के अंदर, पेट के अंदर नहीं डालोगे, तब तक वो आपका प्रॉफिट जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, समझा नहीं जाएगा, ठीक है ना। वीडियो को मजीद कंटिन्यू करें से पहले बताना चाहूंगा कि भैया अगर आप देख रहे होंगे कि पुराने अगर आप यूजर हैं तो आपको पता ही होगा कि भैया बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, लैंप वगैरह भी ले लिए, बिल्कुल इधर ही पे मैंने लाइट भी लगा ली, ठीक है ना। तो यकीन है अब चीजें अच्छी होती हुई नजर आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यकीन है इस तरीके का आपको जो है वो अभी बैकग्राउंड मिलता रहेगा और डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइम में आपको चेंज भी होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं। तो याद रखिएगा, इस वक्त प्रेजेंट टाइम में डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर काम करना ही सबसे बड़ी समझदारी होगी। बिकॉज हम कि यहां पर अगर यूबिट एक्सचेंज की अगर मैं बात करता हूं, या फिर बिट बीएनएक्स एक्सचेंज की मैं बात करता हूं, या फिर दीगर वजीर एक्स की मैं बात करता हूं, एफटीएक्स के एक्सचेंज की मैं बात करता हूं, या कोई भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, यानी कि मैं बाइनेंस को छोड़ के बात करता हूं, तो तमाम के तमाम एक्सचेंजेस जो है वो कहां पर इस वक्त प्रेशर में, ठीक है। सम केसेस के अंदर आपने देखा होगा कि भैया वहां पर आपको आपके खुद के विड्रॉवल नहीं मिले, आपका खुद का पैसा आपके एक्सेस में नहीं आ रहा, आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, आपको मिल नहीं रहा, ठीक है। बुलियन के अंदर पैसा तो कमा लिया, कमाने के बाद जब आपकी पॉकेट में नहीं आ रहा तो भैया फायदा ही क्या ऐसा। तो यहां पर समझदारी आपने पहले से ही करनी है, और कोई नहीं करेगा ये चीजें, आप ही करोगे और कोई नहीं करेगा, ठीक है। करना क्या है, आपने सिंपली मैं आपको बताऊं कि भैया आपने डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का जो है वो इस्तेमाल करना है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज सिंपली होती है, वो ऑरेकल से चल रही होती है। यकीनन यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर प्राइस थोड़ा सा हाई होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के। लेकिन यहां पर आपको सेफ्टी मिलती है, यहां पर आपको सिक्योरिटी मिलती है। सम केसेस के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को शायद के विड्रॉ करना नहीं आता होगा, या फिर एक्सचेंजेस का यूज करना नहीं होता होगा, ठीक है। उसका अल्टरनेट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में यूबिट एक्सचेंज की अगर मैं बात करता हूं, तो पहले इसके अंदर 5,000 इजीली आप विड्रॉवल कर सकते थे ईच डे, एक दिन के अंदर, ठीक है ना। वहां पर केवाईसी की नीड भी नहीं थी, लेकिन अब चीजें बदलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से यूबिट एक्सचेंज की, बीएनएक्स एक्सचेंज की मैं बात करता हूं, तो यहां पर भी चीजें इस तरीके की होती हुई नजर आ रही है। विड्रॉवल जो है वो लोगों के सस्पेंड हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है, सस्पेंड नहीं हुए, 24 घंटे लग रहे हैं। और दूसरा ये बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि भैया यहाँ पर केवाईसी जो है वो फिलहाल जो है वो मैंडेटरी कर दी जाएगी, यानी कि कंपलसरी हो जाएगी केवाईसी करना। तो आपने इसके लिए सिंपल सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ कि भैया बिंग एक्स हो गए, या फिर एमएक्सी ग्लोबल हो गई, या फिर दीगर जो वो एक्सचेंजेस जहां पर आप इजिली 5,000 से ज्यादा का विड्रॉवल कर सकते हो, ठीक है ना। उसके ऊपर किसी भी किस्म की आपको केवाईसी की नीड नहीं होगी, शायद 5 से ज्यादा $10,000 का होगा, ठीक है। जब आप इजीली ट्रेड करते हो, विड्रॉवल भी करते हो, आपको केवाईसी की नीड नहीं पड़ेगी उस वक्त तक जब आप $10,000 से ज्यादा का विड्रो एक दिन में नहीं कर लेते, ठीक है ना। तो मतलब ये अच्छी च्वाइस है। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 2-3 एक्सचेंजेस है, किसी एक को भी उठाओ और आप जो है वो क्या कर लो, अपना अकाउंट सेटअप कर लो, वहां पर ट्रेड करो। बिकॉज रीजन ये है कि भैया वहां पर केवाईसी की नीड नहीं है, और आपको जो है वो स्पेसिफिक कैटेगरी के प्रोडक्ट मिल जाएंगे अलग अलग, ठीक है। यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस वाले अलग मिल जाएंगे, एनएफटी के प्रोडक्ट अलग मिल जाएंगे, गेमिंग के आपको अलग मिल जाएगा, डीप इन के आपको अलग मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह की जो कैटेगरीज बनी हुई है, आप आराम से कैटेगरी को उठा उठा के अलग से आप कॉइन की क्वांटिटी कलेक्ट कर सकते हो, यानी कि अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, ठीक है ना। ये एक अच्छी सहूलत दे दी गई है, तो एक दिन आपको मैं समझता हूँ कि फायदा उठाना चाहिए, क्यों नहीं उठाओगे। जब आपको इतनी सहूलत, इतनी चीजें आसान कर दी गई है, तो मैं समझता हूँ कि भैया फायदा उठाओ, इससे रेवेन्यू जनरेट करो, ठीक है। पैसा कंट्रोल में रखो अपने, ठीक है। अगर डिसेंट्रलाइज इश्यू है तो आप इस एक्सचेंजेस के ऊपर आ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और दूसरा ये है कि भैया यहाँ पर वीडियो कहीं पे वाइंड अप करूंगा, उससे पहले एक और बात बताना चाहूंगा कि बिटएनएक्स एक्सचेंज हो गया, या फिर ये यूबिट एक्सचेंज हो गया, ठीक है ना। ये जितने भी एक्सचेंजेस है, इसका थोड़ा सा बायकॉट करो, थोड़ा सा एहतियात करो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्कैम कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपके साथ बहुत ज्यादा डिले कर रहे हैं। अभी विड्रॉवल जो है वो एक एक विड्रॉवल को 24 घंटे लग रहे हैं, ठीक है ना। विच मीन्स कि आपका जितना भी पोर्टफोलियो वो इससे मूव कर दो, तक पैसा आपके हाथ में ही नहीं आ रहा, तो भैया फायदा ही कुछ भी नहीं है। जब तक आप पैसा कमाने के बाद अपने पेट में नहीं डाल रहे हो, बीवी बच्चों के साथ स्पेंड नहीं कर रहे हो, मां बाप को खिला नहीं रहे हो, पिला नहीं रहे हो, तो फायदा ही क्या, ऐसा कमाने के क्या फायदा कि जो आपको पैसा आपके हाथ में आए और मुंह तक ना पहुंचे।
बेकार है, ठीक है ना। इस चीज को अंडरस्टैंड करो, समझो, स्टेप उठाओ, थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करो मार्केट के अंदर। बाइनेंस ठीक है, मैं कहता हूँ कि इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बाइनेंस ने जो अपना ट्रस्ट जीता है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर, वो आज तक कोई नहीं ले सका, ठीक है ना। यूजर फेस अच्छा है इसका, ठीक है, इसकी टेक्नोलॉजी इसकी अच्छी है, या देखिएगा इसके बाद इसके अंदर जो चीज़ें जी है वो कमिटमेंट हुई वो भी अच्छी है, ठीक है ना, और जो एनवायरमेंट है वो भी अच्छा है, चीज़ें अच्छी होती हुई नजर आ रही है बाइनेंस के अंदर। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा पोर्टफोलियो आप बाइनेंस के अंदर ही डालोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। डिफरेंट डिफरेंट, अगर सिर्फ और सिर्फ आप अपना पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस के ऊपर भी रखते हो ना, तो याद रखिएगा 4 से 5 एक्सचेंजेस बनाओ और वहां पर आप अपना पोर्टफोलियो बना के रखो। याद रखो कि एक ही एक्सचेंज के ऊपर पूरा का पूरा नहीं रहो, 3-4 एक्सचेंजेस आपको नीचे मिल जाएंगे, उन तमाम के तमाम अकाउंट बनाओ, वहां पर डिपॉजिट करो और क्या करो, सीधा सीधा जो है वो वहां से अलग 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 अपना पोर्टफोलियो हो। सम केसेस के अंदर ऐसा हो जाता है कि भैया एक एक्सचेंज के अंदर आपको विड्रॉ नहीं मिलेगा, तो एटलीस्ट आपके पास 3-4 एक्सचेंजेस ऑलरेडी और मौजूद होंगे जहां से आप अपना फंड एक्सेस कर सकते हो। कहीं से नुकसान तो कहीं से तो फायदा मिलेगा। तो आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो बिट बीएनएक्स एक्सचेंज की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ट्रूबिट एक्सचेंज की अगर मैं बात करता हूँ, तो भैया यहाँ पर भी अभी प्रेजेंट टाइम में आपको विदाउट केवाईसी जो है वो विड्रॉवल मिल रहा है और 24 घंटे में मिल रहा है। तो उठा लो विड्रॉवल, उठा लो अपना पैसा, साइड कर लो और दूसरे दिगर एक्सचेंजेस बता रहा हूँ वहां पे कर लो, ठीक है। और हाँ, एक और चीज बताऊंगा फिर वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपका कौन सा पोर्टफोलियो बनाया हुआ आपने, ठीक है, आपने जो पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, तो भैया आपको नीचे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर कीजिएगा। इंस्टाग्राम के अंदर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं कि भैया मेरे पार्ट पोर्टफोलियो के अंदर ये प्रोजेक्ट है और उसकी शॉर्ट टर्म इसकी लॉन्ग टर्म क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कहाँ पर एग्जिट करना है, कहाँ पर बाइंग करना है। और अगर ऐसे भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है जो कि आपकी रैली से हाथ से निकल चुके होंगे, नाक के नीचे से निकल चुके होंगे और वो अच्छे खासे बूम होते हुए नजर आ रहे होंगे, और ये आपके मेरे हम सबके साथ होता है, ठीक है ना। तो आपको अगर कोई ऐसा नजर आ रहा है प्रोडक्ट जो बढ़ा नहीं है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी आप मुझे शेयर कर सकते हो। वो ऑलरेडी जो बढ़ चुका है उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कहाँ करनी है वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। और अब तक आपका पोर्टफोलियो मैं समझता हूँ पर्सनली कि अच्छा खासा ग्रो हो चुका होगा, ठीक है ना। कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप रिव्यू करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, मेक श्योर कीजिएगा इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे टच कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा, एक्सचेंजेस का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टेप उठाओ, स्मार्ट स्टेप उठा लो, ठीक है ना। किसी भी किस्म की आपके लिए ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सो डू योर ऑन रिसर्च। आपने अपने खुद के रिसर्च करनी है, ड्यू डिलिजेंस करनी है, फिर ही पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। मार्केट हाईली वोलेटाइल है और नॉन रेगुलेटेड है, सो और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ठीक है ना। बहरहाल, ठीक है ना, अब यहाँ पे बात करता हूँ कि भैया XRP की अगर मैं बात करता हूँ, HBAR की अगर मैं बात करता हूँ, तो XRP भी मैंने आपको बहुत ही नीचे प्राइस पे दिलाया था, बताया था कि भैया ये जाएगा, ठीक है, और आज $2.50 के ऊपर खड़ा है। HBAR की अगर मैं बात करूँ तो 0.040 सेंट्स के ऊपर मैंने आपको दिलाया था, उस वक्त 25 सेंट्स के ऊपर जा रहा है। और $1 से पहले पहले आपने एग्जिट प्लान कर लेना है, ठीक है। इसके ऊपर भी ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर कीजिएगा, यहाँ पर एंड स्क्रीन के अंदर मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, वो देखिएगा। IOTA, EOS प्रोजेक्ट, ये स्पेसिफिक 4-5 प्रोजेक्ट जो है वो टॉप गेनर के अंदर आ चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो आने वाले हैं, इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेंगे अपकमिंग वीडियो के अंदर। तो समझ में आ गई होगी कि अपकमिंग वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ठीक है ना। तो बहरहाल, वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।